राज्य के कृषि विभाग के अथक प्रयास का ही प्रतिफल है कि पिछले कुछ वर्षों में कृषि के क्षेत्र में बिहार ने नए आयाम रचे हैं। राज्य सरकार किसानों के हित में तरह तरह की योजनाएं चला रही हैं और इन योजनाओं के कारगर क्रियान्वयन में जी जान से जुटी है। इन योजनाओं में एक है जलवायु अनुकूल खेती। जलवायु परिवर्तन किसानों के सामने एक गंभीर समस्या है। पिछले कुछ वर्षों में वर्षापात में कमी आई है तथा मानसून का व्यवहार अत्यंत ही असामान्य हो गया है। मौसम में हो रही परिवर्तन के कारण किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है, जिसके फलस्वरूप बिहार सरकार कृषि विभाग द्वारा जल जीवन हरियाली के अंतर्गत जलवायु के अनुकूल खेती कार्यक्रम को क्रियान्वित किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत पारंपरिक खेती के बदले आज किसान ऐसी फसलों का चयन कर रहे हैं जो मिट्टी के अनुकूल हो, जिसमें पानी की कम खपत हो, अधिक मुनाफा हो। इस योजना के अंतर्गत प्रथम फेज में राज्य के प्रत्येक जिले के 5-5 गांवों को जलवायु के अनुकूल मॉडल कृषि गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। जलवायु परिवर्तन का असर खेती पे पड़ रहा है। आप देखेंगे कि जुलाई के महीने में 60% बारिश हुई और अगस्त में 37% बारिश हुई है और अक्टूबर में करीबन 83% बारिश हुई है, तो जिसके चलते किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अभी हम लोगों ने जो है धान गेहूं पे आधारित फसल का जो है जलवायु परिवर्तन का इसमें भी असर देख रहे हैं, तो जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम चला रहे हैं हम लोग। उसके तहत यही करीबन जिले के 5 गांव में यह जो है हम लोग ट्रेनिंग के तौर पे इसको हम लोग देख रहे हैं और आसपास के किसानों को हम लोग बुला करके वहाँ पे ट्रेनिंग करा रहे हैं, ताकि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके अनुसार हमारा किसान जो है खेती कर सके और अपने आप को जो है स्थापित कर सके। जलवायु अनुकूल खेती के अंतर्गत सरकार द्वारा फसल की अलग अलग किस्मों के बारे में किसानों को जानकारी दी जा रही है एवं विभिन्न प्रकार के आधुनिक यंत्रों के इस्तेमाल के फायदे भी बताए जा रहे हैं, जिससे किसान अपनी जमीन पर सालों भर अलग अलग फसलों के उपज के लाभ ले पाएं। पर्यावरण का जो संकट उत्पन्न हो रहा है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा, उसमें इस परिवर्तन में कमी आए, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग काम कर रहे हैं और इसी के अनुरूप जैसा वातावरण पर्यावरण की जैसी स्थिति उसी के अनुरूप हम कृषि के क्षेत्र में जाएं और उसी के अनुरूप क्या खेती होनी चाहिए, किस प्रकार खेती होनी चाहिए, इसके बारे में अवेयरनेस लाना, जागृति लाना और प्रयोग के जरिए लोगों को दिखा देना कि देख लीजिए ये आपकी आमदनी को बढ़ाएगा और आपके हक में। तो यही है जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम।